सीएसपी संचालक से हुई 40 लाख रुपए की लूट की घटना में बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट की रकम में 18,28,500 रुपए बरामद करते हुए लूट की घटना में शामिल दो लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सारा ने बताया कि लूट की घटना के उद्भेदन में एक एसआईटी का गठन करते हुए अनुसंधान में लग गए, जिसका फलाफल शीघ्र ही हासिल हुआ और दो अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए रुपयों में से 18,28,500 रुपए को बरामद कर लिया गया है। एसपी के माने तो तकनीकी विश्लेषण सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले सभी पांच अपराधियों की पहचान कर ली गई और छापेमारी के क्रम में कुल 18,28,500 रुपए बरामद करते हुए घटना में प्रयुक्त एक बाइक, एक देसी कट्टा और पांच जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया। लूटकांड में शामिल गिरफ्तार भेली थाना क्षेत्र के चांदपुरा निवासी मुंद्रिका राय के पुत्र आशु राय की निशानदेही पर 6 लाख रुपया और शैलेश पाठक के घर से भी 6 लाख रुपया बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य अपराधी के घर से 28,500 रुपए बरामद हुआ, लेकिन वह फरार होने में सफल रहा। जबकि खरीदाहा गांव निवासी अपराधी सोनू पांडे के घर से 6 लाख रुपया, एक बाइक और एक देसी कट्टा के साथ 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आर्म्स बर्बादगी मामले में सोनू के पिता चंदेश्वर पांडे को गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटी गई शेष राशि को बरामद करने के लिए छापेमारी जारी है। ये घटना 4 अक्टूबर को यानी कि परसों घटित हुई थी, जिसमें कि मढ़ोरा थाना अंतर्गत इसरोलिया मार्केट बाजार के पास एक पेट्रोल पंप है, उससे आगे छपरा की तरफ आने पर 50 मीटर की दूरी पर एक मुकुंद पाठक है, जो कि अपने स्वयं मोटरसाइकिल चला कर आ रहे थे और बैग में 40,25,000 रुपये वो रख करके, जो एक्सिस बैंक से वो निकाले थे मढ़ोरा से, वो लेकर आ रहे थे। तो उनको दो बाइक पर सवार, एक पर दो व्यक्ति था और दो अपराधी था और एक पर तीन अपराधी था, तो पांच अपराधकर्मियों के द्वारा उससे लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना के होने के पश्चात हमारी पुलिस टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण की। तत्पश्चात हमने एक एसआईटी गठित किया और हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान हम लोग तकनीकी अनुसंधान और वीडियो फुटेज जो हमें प्राप्त हुआ था सीसीटीवी कैमरे से और अन्य प्रकार से भी अनुसंधान को आगे बढ़ाया और इसमें शामिल पांचों जो अपराधकर्मी थे उसकी पहचान कर ली गई। साथ ही साथ इसमें जो बाइक प्रयुक्त हुआ था उसकी पहचान हो गई और छापामारी के क्रम में हम लोगों ने अभी तक कुल 18,28,500 रुपये की बरामदगी कर ली है, जिसे कि तीन अभियुक्त के पास से आशु राय, शैलेश पाठक और एक है जो सोनू है चंदेश्वर पांडे उसके पिता हैं, उनके घर से उनकी निशानदेही पर आशु की गिरफ्तारी की गई है, जो कि भेल्दी थाना अंतर्गत ही है। आशु राय पिता मुंद्रिका राय और उसकी गिरफ्तारी पश्चात उसके निशानदेही पर उसके छापामारी करके बरामद किया गया है। दूसरा है शैलेश पाठक पिता उमेश पाठक, ये भी भेल्दी थाना का है और इसके यहाँ से भी इसके निशानदेही पर भी 6 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। एक जो अभियुक्त है सोनू कुमार, ये अभी फरार है, इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, परंतु इनके यहाँ छापामारी करने पर लूटी गई राशि में से 6 लाख रुपये और जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुआ था, जो आप लोगों ने वीडियो फुटेज में देखा होगा, होंडा जो ये हीरो होंडा प्लस मोटरसाइकिल था, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल था, वो बरामद हुआ और उसमें एक हथियार कट्टा प्रयुक्त हुआ था, वो भी बरामद हुआ 5 जिंदा कारतूस के साथ, तो उसको भी जब्त किया गया। उसके पिताजी को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत वहां पर बरामदगी हुई थी और उसके अंतर्गत एक अलग से वेल्दी थाना अंतर्गत केस दर्ज करके उसकी भी गिरफ्तारी की गई। तो इस प्रकार अब तक की कुल गिरफ्तारी, कुल जो बरामदगी है वो 18,28,500 रुपये, लूट में प्रयुक्त अवैध अग्नेयास्त्र एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस, लूट में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल की। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।